सो जैसे कि गाइस गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, हमारी स्किन के ऊपर टैन हो जाती है, चेहरे की रौनक जो है वो ख़त्म हो जाती है, चेहरा बहुत ज़्यादा बेजान सा लग रहा होता है। तो हम कुछ सोचते हैं कि कुछ ऐसे सिंपल से DIY हो जो अपने फेस पे अप्लाई करें और अब हमारे चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाए। तो गाइज आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक सिंपल सी DIY शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ईजी है बनाना, और इससे आपके चेहरे की जो खोई हुई शाइन है वो वापस आ जाएगी। और साथ ही साथ गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई इजी सी और न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिराक स्किन केयर। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया है कि इस DIY को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये बहुत प्यारा सा आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए लेमन जूस। आपको 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है। अब जिनकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता है वो इसकी जगह पोटैटो का जूस ले सकते हैं, यानी कि आलू का रस। तो आपको नींबू का रस ले लिया आपने 1 से 1.5 चम्मच, उस पर आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून शहद यानी कि हनी। आपको पता है कि नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो चेहरे के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करता है, चेहरे की मुरझाई हुई हमारी जो स्किन होती है उसको ठीक करने में, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और हनी जो है वो मॉइस्चराइज़र का काम करता है, चेहरे के रिंकल्स को ठीक करता है, चेहरे को सॉफ्ट और शाइनी बनाने का काम करता है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्रैमफ्लोर की बेसन। बेसन आप सब जानते हैं बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। ये हमारी स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, चेहरे की खोई हुई रंगत को वापस लाने के लिए, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, चेहरे पे पिंपल्स ना हो, ये बेसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्किन में। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा गुलाब जल इसमें ऐड कर सकते हैं या फिल्टर वाटर ऐड कर लीजिए, नहीं तो जो भी हमने बैटर बनाया है नींबू और शहद के साथ आप ग्राम फ्लोर को मिक्स करके इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लीजिए। सो देखा गाइस कितना इजी तरीका है इसको बनाने का। तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करें और इस DIY को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करके रखें। आधा घंटा आपको इसको अप्लाई करके रखना है। जब ये सूख जाएगा तो थोड़ा सा हाथों को गीला करके सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने चेहरे को स्क्रब कीजिए। ये आपके चेहरे की जितनी भी टैन होगी, जो भी डलनेस होगी, वो सारे रिमूव कर देगा। हफ्ते में 3 बार आप इस DIY फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते बाद देखना गाइस आपकी स्किन कितनी चमकदार और ग्लोइंग हो जाएगी। इस DIY के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपने, तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ गाइस आपको अपनी नेक्स्ट इजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।